आपने कभी ना कभी कैनवा का यूज तो जरूर किया होगा, फिर चाहे वो यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए किया हो, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए किया हो, या आपने रील्स बनाने के लिए किया हो, या फिर लोगो बनाने के लिए किया हो, आपने किसी न किसी चीज के लिए कैनवा का यूज तो जरूर किया होगा। मैंने भी कैनवा का बहुत ज्यादा यूज किया है, लेकिन क्या आपको पता कि मैं कैनवा का यूज क्यों करता हूँ? मैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसका यूज करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं कैनवा का यूज करके पैसा भी कमाता हूँ। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैनवा का यूज करके इन 5 तरीकों से कैसे पैसा कमा सकते हो, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वही तरीका बताऊंगा जिससे मैं खुद पैसा कमाता हूँ। ये सारे के सारे तरीके बिल्कुल प्रूवन है, एंड कैनवा से पैसे कमाने का जो आखिरी तरीका वो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी मदद से आप काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो जो कैनवा से पैसा कमाने का पहला तरीका है वो थंबनेल डिजाइन करके। आप दूसरे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के लिए या बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए आप थंबनेल डिजाइन करके काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। कैनवा पे थंबनेल बनाना बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिंपल क्या करना है, कैनवा के ऊपर जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है थंबनेल डिजाइन। आप जैसे थंबनेल डिजाइन वहां पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी बनी बनाई थंबनेल की टेम्पलेट्स मिल जाएगी। किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, या आप जिसके लिए वो थंबनेल बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडिट करके अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हो। कैनवा के ऊपर थंबनेल को एडिट करना या उसके डिजाइन को चेंज करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। वहां पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको टेक्स्ट का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वहां पे आप अपनी इमेजेस को, अपने एलिमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, और वहां पे कैनवा पे आप उसको यूज कर सकते हो। आपको कैनवा के एलिमेंट फीचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने टेम्पलेट के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दूसरों के लिए थंबनेल बना के काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया मैनेजिंग। आप दूसरों के सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज कर सकते हो कैनवा के थ्रू। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर होते हैं जिनको अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने इंस्टाग्राम के लिए या यूट्यूब के लिए सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करवानी होती है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए वो सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करते हैं। तो आप उनके लिए उनके पेज के नीड्स के अकॉर्डिंग कैनवा से अच्छी खासी पोस्ट को जनरेट कर सकते हो। आपको कैनवा पे जाके सोशल मीडिया पोस्ट सर्च करना है तो वहां पे भी आपको बनी बनाई बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट की टेम्पलेट मिल जाएगी अलग अलग कैटेगरीज की। जैसे कि आपको वहां पे बिजनेस पोस्ट, ट्रेवलिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड काफी अलग अलग टाइप की टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी, जिसको आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो और आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, जिसका वो आपको मंथली आपको काफी अच्छा खासा पे कर देंगे। तो इससे भी आप एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तीसरा तरीका एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि लोग काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं, वो है आप कैनवा से टेम्पलेट बना के उसे सेल कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कई लोग बच्चों की वर्कशीट, रेज्यूमे टेम्पलेट्स, वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, इन सबके टेम्पलेट बना के उसे फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करते हैं। आप भी इसी टाइप से कैनवा पे जाके कोई भी एक पर्टिकुलर नीश आप पकड़ सकते हो, जैसे कि आपको इन्विटेशन कार्ड सेल करने हैं, आपको बच्चों की वर्कशीट सेल करनी है, आपको बनी बनाई प्रेजेंटेशन सेल करनी है, या फिर आपको रेडीमेड वेबसाइट के टेम्पलेट सेल करने हैं, वो आपको कैनवा के ऊपर मिल जाएंगे, जिसे आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो। अगर आप उसे एडिट नहीं भी करना चाहते तो आपको सिंपल उस टेम्पलेट का पब्लिक लिंक निकाल लेना है और उसको कॉपी करके आप आगे उसे सेल कर सकते हो काफी अच्छे खासे प्राइस में। कई लोग ये कर रहे हैं, मैं खुद इससे काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपल उस पर क्लिक करके वहां पे आपको जाके सर्च करना है टाइम मैनेजमेंट प्लानर। मैं कैनवा से टाइम मैनेजमेंट प्लानर का टेम्पलेट निकाल के उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहा हूँ, और उससे मुझे काफी अच्छी खासी अर्निंग भी हुई है। तो आप भी इसी टाइप से कैनवा से टेम्पलेट बना के उसे अच्छे खासे प्राइस में सेल कर सकते हो, और इसमें आपकी काफी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि आपको सिर्फ टेम्पलेट का लिंक एक बार निकालना है, उसे आप अनलिमिटेड टाइम तक सेल कर सकते हो। इसमें आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसमें ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगेगा, आपको सिंपल एक बार लिंक निकालना है और उसे अनलिमिटेड टाइम तक सेल करना है। आप इन सारी चीजों को सेल कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहना। कैनवा से पैसे कमाने का जो चौथा तरीका है वो काफी अच्छा तरीका है, ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा काफी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी एजेंसी ओपन कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, या वेबसाइट डिजाइनिंग की एजेंसी हो। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है पोर्टफोलियो। आपको हर एजेंसी में आपको फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, एडिटर्स मिल जाएंगे, या वेब डेवलपर्स मिल जाएंगे, उन सबको अपने लिए पोर्टफोलियो की जरूरत है। तो आप उनको पोर्टफोलियो बनाकर दे सकते हो। वो आप कैनवा से कैसे बनाओगे, आपको सिंपल कैनवा पे जाके सर्च करना है वेबसाइट। आप जैसे वेबसाइट सर्च करोगे आपको बहुत सारी बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी। आपको किसी भी एक वेबसाइट के टेम्पलेट पे जाना है, वहां पे आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनका पोर्टफोलियो वहां पे एडिट करना है। जैसे कि आपके क्लाइंट के जो भी प्रोजेक्ट है, वर्क है, वो आपको उस टेम्पलेट के अंदर मेंशन कर देने हैं, वहां पे आपको उनको पेस्ट कर देना है,
और उस वेबसाइट को आपको वहां से पब्लिश करके या डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को दे देना है। और आप इसका एक एक वेबसाइट का 1000 से 1500 2000 तक आराम से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जो छोटे छोटे फ्रीलांसर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, इतना ज्यादा फंड नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए वर्डप्रेस से या अदर किसी सॉफ्टवेयर से। इसलिए वो कम बजट में अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इस मार्केट को आप कैच कर सकते हो। आप उनके लिए कम प्राइस में पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे सकते हो कैनवा की हेल्प से। पांचवा और आखिरी तरीका, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि मैं इससे काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट करता हूं, और वो तरीका है कैनवा से डिजिटल प्रोडक्ट बना के उसे सेल करना। हाँ दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट बना के। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप डिजिटली अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह से एक्सेस कर सकते हो, उसे यूज करते हो। जैसे कि एक वेबसाइट हो गई, रील्स बंडल हो गए, कोर्स हो गया, ई बुक्स हो गई, ये सब क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, आप इसे कहीं पे भी टच नहीं कर सकते, आप इसे डिजिटली अपने डिजिटल डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो, इसे अपन डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप कैनवा की हेल्प से क्या डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो? आपको कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ना है, कोई भी एक नीश पकड़नी है, सपोज आप मोटिवेशनल पोस्ट की नीश को पकड़ते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कैनवा पे जाके मोटिवेशनल से रिलेटेड आपको कैनवा की हेल्प से 100, 200 या 500 सोशल मीडिया पोस्ट का एक बंडल तैयार करना है और उसको आपको सेल करना है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, मैं खुद कैनवा से एक बिजनेस पोस्ट का बंडल बना के उसे सेल कर रहा हूँ और मुझे उससे काफी अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट हुई है। तो आप भी कैनवा से सोशल मीडिया पोस्ट का एक बंडल तैयार कर सकते हो। उसे कैसे कर सकते हो, आपको सिंपल कैनवा पे जाना है, आपको बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट मिल जाएगी, उनको एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग, उनको डाउनलोड करना है, जितनी भी पोस्ट का आप बंडल तैयार करना चाहते हो, जैसे कि 100 पोस्ट का हो गया, 200 पोस्ट या 400 पोस्ट, 500 पोस्ट, अपने अकॉर्डिंग आपको उन पोस्ट को डाउनलोड करना है, उसे गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करना है और गूगल ड्राइव का पब्लिक लिंक आपको निकालना है और उस लिंक को आपको सेल करना है। कैसे कर सकते हो, टर्बोपेज, कोर्सोफीड या क्रेडिबल लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, वहां पे लिस्ट करके आप उसे सेल कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको तरीके बता दिए कि आप कैनवा से किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन सभी तरीकों में एक चीज कॉमन है, वो है सेलिंग, आपको सेल करना होगा। तो आप सेल कैसे कर सकते हो, तो सेल करने के आपके पास तीन तरीके। पहला तरीका और सबसे आसान तरीका वो है कॉन्टेंट क्रिएशन। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आपकी कैटेगरी के रिगार्डिंग आपको कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल एजुकेशनल कंटेंट बनाना है। आप जैसे कंटेंट बनाओगे तो लोग आपसे एंगेज करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, उस ऑडियंस को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन एक बार आपका नेटवर्क बन गया, आपकी ऑडियंस बन गए, आपके फॉलोअर्स बन गए, उसको आप वो प्रोडक्ट कितनी बार भी सेल कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, इसमें लगेगा तो बस आपका टाइम एंड एफर्ट। लेकिन यकीन मानिए ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, इससे आप अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। मैं भी इसी का यूज करके काफी अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट करता हूँ। दूसरा तरीका है वो है डीएम आउटरीचिंग। आपको क्लाइंट्स को जाके खुद से रीच आउट करना है, लिंक्डइन के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको खुद जाके उनको रीच आउट करना है और अपना प्रोडक्ट उनको पिच करके सेल करना है। तीसरा जो तरीका है उसमें आपका थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, वो है गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एड चला के उसे अनलिमिटेड टाइम तक सेल कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कैनवा के इन तरीकों से अच्छे खासे इनकम को जनरेट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप सिंपल मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और आप एक और चीज कॉमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी धमाकेदार वीडियोस आती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।